नमस्कार दोस्तों, आज मैं ज्योतिष में लेकर आया हूं जातक का। कुंडली में इस प्रकार से योग बन जाता है ग्रहों के समावेश से, उस जातक का विधवा स्त्री के साथ या अपने से बड़ी उम्र की स्त्री के साथ या अपने से नीचे जाति की स्त्री के साथ उसका रिलेशन होता है। यह योग बनता कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेवे, और जिसने पहले से कर रखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं सप्तम भाव का मालिक शुक्र केतु के साथ में अष्टम भाव में बैठ जाए और नौ मास में कन्या का होकर शुक्र बैठा हो, इस योग में जातक विधवा स्त्री के साथ रिलेशन होता है। अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा हो, शनि उसको देख रहा हो और मंगल नौ मास में कर्क राशि का होकर बैठा है, तो इस प्रकार से जातक का योग या तो अपने से बड़ी उम्र की स्त्री के साथ होता है या फिर अपने से नीचे जाति की स्त्री के साथ उसका रिलेशन होता है। इस प्रकार का जातक शादीशुदा भी हो सकता है, कुंवारा भी हो सकता है। सप्तम भाव का मालिक अष्टम भाव में चले जाना, उस ग्रह को बिगाड़ना, केतु के साथ में उसका दूषित होना, क्योंकि केंद्र भाव का मालिक त्रिक भाव में चला गया है, इसलिए इस ग्रह को दूषित करेगा ही करेगा। इसलिए सप्तम भाव का मालिक अष्टम भाव में वो भी शुक्र अगर चला गया है तो रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा ज़्यादातर विधवा स्त्री के साथ। स्थिति से बचने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा निवारण है। अगर आप कर सकते हो तो इस स्थिति से बच सकते हो। शुक्रवार के दिन चिड़वा दही में भिगोकर कौओं को खिलाने से आपको इस चीज़ का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप अपनी राय जरूर व्यक्त करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय गणेश।